double size pulleys on TMCH. ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर में 5 डबल साइज पुली दिए गए हैं, जिनमें से 3 पुली ट्रैक्टर के बाईं तरफ हैं और 2 पुली ट्रैक्टर के दाईं तरफ हैं। कटर रील डबल साइज पुली। इस पुली का उपयोग कटर रील को ड्राइव देने के लिए किया जाता है। यदि सूखी हुई फसल रील में जाने से पहले टूट रही हो, जिसे शटरिंग लॉस कहते हैं, यह शटरिंग लॉस कम करने के लिए कटर रील का RPM कम करना जरूरी है। RPM घटाने के लिए बेल्ट को छोटे डायमीटर वाले पुली से निकाल के बड़े डायमीटर वाले पुली में लगा दें। कटर बार मेन ड्राइव डबल साइज पुली। कटर बार मेन ड्राइव पुली 9 इंच और 10 इंच के डबल साइज में आती है। स्टैंडर्ड फिटमेंट 9 इंच के पुली पे दी गई है। अगर किसी कारण फसल गीली हो और यह फसल कटर बार में जाके कटर बार को चोक कर रही हो, तो कटर बार का RPM बढ़ाने की जरूरत है। RPM बढ़ाने के लिए फीडर पुली से आने वाले बेल्ट को कटर बार मेन ड्राइव डबल साइज पुली के 9 इंच डायमीटर वाले पुली से निकाल के 10 इंच डायमीटर वाले पुली में लगा दें। ब्लोअर डबल साइज पुली। ब्लोअर में 6.5 इंच और 5 इंच की डबल साइज पुली दी गई है, जिसका काम ब्लोअर के फैन की RPM बढ़ाना और घटाना है। यदि फसल से निकलने वाले भूसे को ब्लोअर ठीक तरह से बाहर ना फेंक पा रहा हो, तो ब्लोअर का RPM बढ़ाना जरूरी है। RPM बढ़ाने के लिए ब्लोअर पुली को बाहर निकाल के उल्टी तरफ घुमा के जोड़ दें। थ्रेशर ड्रम डबल साइज पुली। थ्रेशर ड्रम पे डबल साइज पुली दी गई है, जिसका साइज 11 इंच और 12 इंच है। 11 इंच की पुली पे थ्रेशर को 711 RPM और 12 इंच की पुली पे 650 RPM मिलता है। स्टैंडर्ड फिटमेंट 12 इंच की पुली पे दी गई है। पैडी क्रॉप की कटाई के लिए 12 इंच के पुली का उपयोग किया जाता है और गेहूं के फसल में चलाने के लिए 11 इंच के पुली का उपयोग किया जाता है। कैम ड्राइव पुली। इसमें 12 इंच और 13 इंच की डबल साइज पुली दी गई है। स्टैंडर्ड फिटमेंट 13 इंच की पुली पे दी गई है। कैम ड्राइव पुली का काम स्टेप बेड, स्ट्रो वॉकर और सीप को ड्राइव देना है। यदि गीली फसल से निकाले हुए भूसे और धान से स्टेप बेड, स्ट्रो वॉकर और सीप चोक हो रहे हों, तो कैम ड्राइव पुली का RPM बढ़ाएं। RPM बढ़ाने के लिए पुली को बाहर निकालें और उल्टी तरफ घुमा के जोड़ दें और बेल्ट को 12 इंच डायमीटर के पुली में लगा दें। इससे स्टेप बेड, स्ट्रो वॉकर और सीप का RPM बढ़ जाएगा और भूसा और धान से चोक होना रुक जाएगा।